बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ है सलमान। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मुल्तान एनिमल्स इन्फो पर। उम्मीद है दोस्तों आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग कबीरवाला के एक फार्म पर मौजूद हैं जिसका नाम राणा बर्ड फार्म है। और दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड बर्ड्स वैरायटी लगी हुई है जिसमें मोर आ जाते हैं, इनके पास फिजेंट्स हैं और पिजन्स भी दोस्तों इनके पास लगे हुए हैं। ईरानी तीतर भी इनके पास मौजूद है और इसके अलावा पैरट्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो अभी जो है वो हम आपको आगे जाके वीडियो में भी दिखाएंगे और चलते हैं जी, टाइम ज़ाया की बगैर आपको फार्म के ओनर से मिलवाते हैं जी। दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ फार्म के ओनर हैं वकास भाई, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी, करम। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि आपने अपने फार्म पर कौन कौन सी वैरायटी के बर्ड लगाए हुए हैं और किस किस किस्म के बर्ड मौजूद हैं आपके पास? मोर में सारी वैरायटी है तकरीबन, ग्रीन जावा, येलो, बिलियो, अच्छा कैमियो, ठीक सिल्वर में सारी तकरीबन वैरायटी। ठीक, और इसके साथ पिजन में कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है? पिजन में स्वेलो है, फ्रेल में है, डबल में है, सही जैकोबिन हो गया, सही और तमाम दूसरी छोटी मोटी वैरायटी। सही, तो अच्छा वकास भाई अपना जो है वो फ़ोन नंबर बता दें ताकि अगर कोई भाई दोस्त बर्ड्स वगैरह लेना चाहे, क्योंकि फार्म के जो हैं वो बर्ड्स ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि आपसे जो है वो लोग आसानी से रब्ता कर सकें। 0300-8892-731। ठीक, तो दोस्तों ये वकास भाई का नंबर है, नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलते हैं जी, आपको वकास भाई के बर्ड दिखाते हैं और मिलते हैं आपको वीडियो के बाद। जी वकास भाई, यहाँ पर मैं ग्रीन जावा देख रहा हूँ माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत आपके फार्म की शान, तो इसके बारे में बताइए। ये जी इम्पोर्ट जर्मनी से लिए हो जी हमने। अच्छा, रिंग बर्ड है। सही, तो ये आपने किस ईयर में मंगवाए थे? ये मंगवाए थे 2019 में। सही, अच्छा बड़े मंगवाए थे या चिक्स मंगवाए थे? चिक्स मंगवाए थे। अच्छा, चिक्स मंगवाने की क्या वजह होती है ये थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को। चिक्स में आप रख के पता लग जाता है, चलो अंडे शंडे को, वो ब्रीडर में पता नहीं लगता। सही, क्या अंडे देगा क्या नहीं देगा, इस वजह से ब्रीडर की कोई वो गारंटी नहीं होती कि जी आगे जाके वो ब्रीड करेगा भी या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग इनके ग्रीन जावा माशाल्लाह से रिंग बर्ड्स हैं, इम्पोर्टेड, इन्होंने बाहर के जो है वो कंट्री से इम्पोर्ट किए हैं। ये पाकिस्तान में कम ही बंदों के पास है लगे। सही जी वकास भाई, यहाँ पर कौन से बर्ड हैं आपके? ये कैमियो का नर है, बिलियो की मादी है। अच्छा, तो इनमें कौन किस तरह के बच्चे निकलते हैं इस तरह की पेयरिंग से? ये क्रॉस में ही आ रहे हैं, बिलियो कैमियो में तकरीबन कोई अच्छी नस्ल में ही बन जाते हैं। सही, अच्छा ये मैं देख रहा हूँ कि आपने जो है वो दाने का पॉट लटकाया हुआ है, इसकी क्या वजह होती है? ये फीड लगाई होती है, मिट्टी शिट्टी ना डाले इसके अंदर। अच्छा, वैसे यानी फीड ख़राब ना हो, मिट्टी ना आए, सारे परेशर वगैरह। सही, ठीक जी वकास भाई, यहाँ मैं यूनिट देख रहा हूँ आपका, ये कौन से बर्ड्स हैं? ये कैमियो का यूनिट है। अच्छा जी, तो कैसा रहा है आपका सीज़न इस साल, कैसे ब्रीड आई आपके पास? ये अच्छी है, बेहतरीन आई तकरीबन। सही, अच्छा इनके बच्चे वगैरह अवेलेबल हैं? हाँ हैं बच्चे अवेलेबल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी बर्ड दिखाएंगे हम आपको, इनके चिक्स वगैरह अवेलेबल होंगे, अगर किसी ने लेने हैं तो वकास भाई से रब्ता कर सकते हैं आप लोग जी। वकास भाई ये कौन से बर्ड हैं आप? ये सिल्वर में ही। अच्छा, ये घर की ब्रीड है हमारी, बड़ी अच्छी ब्रीड है। सही, तो ये आपने अपने लिए रोके हैं? अपने लिए रोके हैं, तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल की पट्टी पट्टे हैं। अच्छा, ये पीकॉक जो हैं वो किस उम्र में जाके ब्रीड करते हैं, यानी कब अंडे देना स्टार्ट करते हैं? तकरीबन 2.5 साल बाद। अच्छा, शुरू कर देते हैं अंडे देने। सही, तो व्यूअर देख सकते हैं माशाल्लाह से इन्होंने अपने घर के लिए रोके हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं और साइज़ वगैरह भी अच्छा है इनका जी। ये कौन से बर्ड्स हैं आप? ये बिल्यू का है। बिल्यू का यूनिट है आपका? हाँ जी। सही, तो कैसी ब्रीड दे रहे हैं ये लोग? ये भी अच्छी इंशाल्लाह दे रहे हैं। सही, तो व्यूअर देख सकते हैं माशाल्लाह से इनका यूनिट है ये और ब्रीडर यूनिट है इनका। अच्छा वकास भी, इनके चिक्स वगैरह आ रहे हैं? इनके चिक्स आ रहे हैं। सही, तो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं इनके चिक्स की आप? एक महीने का चिक्स है मिसाल के तौर पर, उसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? उसकी चल रही 2500 रुपये। सही, 2500 रुपये का एक पीस? एक पीस जी। ये वकास भाई इन वाइट मोर्स के बारे में बताइए। हाँ, ये वाइट का पेड़ लगा हुआ है हमारा। अच्छा, हाँ जी, तो अभी ब्रीड वगैरह कर रहा है आपके पास? ये ब्रीड अब रुकी है जिसकी। अच्छा, ब्रीड में आई पड़ी ये भी। सही जी, ये कौन से बर्ड्स हैं? ये सिल्वर का नर लगाया हुआ है। अच्छा, ब्लू ब्लैक की मादी लगाई हुई क्रॉसिंग में। सही,
अच्छा, मैं ये साइड पर देख रहा हूँ एक फीमेल बैठी हुई है, अंडों पे बैठी हुई है। अंडे पे बैठी नहीं, अंडा दे रही है शायद ये। अच्छा, अंडा दे रही है। तो ये कुड़क वगैरह भी होते हैं? हाँ, ये कुड़क वगैरह भी हो जाते हैं। सही, तो फिर ख़त्म किस तरह करते हैं इनकी कुड़क आप? वैसे अंडे शंडे उठा लेते हैं इनके नीचे से। सही, तो खुद आप उठ जाती है जी। ये कौन से बर्ड्स हैं? ये भी ब्लू शोल्डर ही है। अच्छा, ब्लू शोल्डर के कितने एक पेयर पड़े हुए हैं आपके पास? ये है तकरीबन 15 पेयर। अच्छा, ब्लू शोल्डर के 15 पेयर मौजूद हैं माशाल्लाह से। सही जी, ये कौन से बर्ड्स हैं? ये ब्लू शोल्डर ही है। अच्छा, ब्लू शोल्डर। अच्छा, एग वगैरह भी आ रहे हैं इनके माशाल्लाह से। अच्छा, एग क्या किस तरह निकलवा रहे हैं बच्चे आप? इनक्यूबेटर वगैरह लगाया भैया नेचुरल तरीके से? है कुछ नेचुरल मुर्गियों के कुर्की के नीचे। टर्की यूज़ कर रहे हैं आप लोग इनक्यूबेटर के लिए? सही जी। विकास भाई, ये कौन से बर्ड्स हैं आपके? ये ग्रीन जावा का नारा है जी। अच्छा, बिल्लियों की मादी है। सही, तो ये ग्रीन जावा ये कौन सा है? ये इम्पोर्टेड है या लोकल है? यहाँ का पाकिस्तानी है ये। अच्छा, सही। तो इसमें ग्रीन जावा में क्या क्वालिटी देखी जाती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जी ये एक अच्छा क्वालिटी बर्ड है ये? इसमें क्या क्या देखते हैं खसूसियत? इसमें इसका कद, अच्छा इसकी गर्दन, सही लंबाई इसकी, सही वैसे इसका फेस का, सही ये ठीक। यानी इन 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 इनको देखकर जो है इन पॉइंट्स को हम जान सकते हैं कि ये एक अच्छा बर्ड है। सही जी। विकास भाई, ये कौन से बर्ड हैं? ब्लू का नारा, ब्लैक शोल्डर की मादी है। सही, तो इनके अंदर से कौन से चिक्स आते हैं फिर? इनके अभी क्रॉसिंग कराई है, अभी देखो बच्चे आए हुए हैं, देखो क्या बनेगा। सही जी, ये कौन से बर्ड हैं? ये ब्लैक शोल्डर हैं। अच्छा, तो इसके साथ फीमेल्स कौन सी आप? इसी की फीमेल, ब्लैक शोल्डर। अच्छा, ब्लैक शोल्डर की फीमेल है। देख सकते हैं और माशाल्लाह से लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है इस बर्ड की, और हाइट वगैरह साइज़ बहुत अच्छा है, और हेल्दी एक्टिव है माशाल्लाह से बिल्कुल। अच्छा विकास भाई, ब्लैक शोल्डर के कितने एक पेयर मौजूद हैं आपके भाई? ब्लैक शोल्डर के 10-12 पेयर तकरीबन। अच्छा, 13 पेयर होंगे। सही, तो क्या वजह है इतने ज़्यादा रखने की? डिमांड ज़्यादा होती है इनकी? इनकी डिमांड बच्चों की भी। अच्छा, ज़्यादा वैसे भी ये एग शेग ज़्यादा देती है। सही जी। विकास भाई, ये कौन सा पेयर है आपका? ये वाइट का पेयर है जी। अच्छा, ट्राई हुआ है पूरा आप? हाँ जी। कितने वाइट के कितने जोड़े मौजूद हैं आपके? वाइट के तकरीबन 5 पेयर हैं। अच्छा, 5 पेयर हैं। सही, ये वाइट की मादी एक है, कैमियो का नर है, स्पेल्डिंग में एक मादी पड़ी है। अच्छा, स्पेल्डिंग। हाँ जी। सही, तो ये भी ब्रीड वगैरह कर रहे हैं, अंडे शंडे आ रहे हैं इनके? हाँ, वो देख सकते हैं व्यूअर्स, कोने में एक अंडा भी पड़ा है इस वक्त। सही जी। विकास भाई, ये कौन से बर्ड नज़र आ रहे हैं हमें? ये 2 फीमेल वाइट की है, कैमियो का नर है। अच्छा, तो ये क्रॉस में क्यों लगाया हुआ आपने? ये क्रॉस में बच्चों के लिए देखते हैं, कोई कैमियो शैमियो कोई पाइड में। सही, कोई कैमियो पाइड। हाँ, सही, कैमियो पाइड में वर्किंग वगैरह कर रहे हैं। जी विकास भाई, इसके बारे में बताएं। ये सिल्वर का नर है। अच्छा, कैमियो की मादी है 3। सही, ये भी सेम वही वर्किंग कर रहे हैं? हाँ, ये भी वही कैमियो पाइड निकालना चाह रहे हैं आप? सही, तो आप कब आए भी हैं इस सीज़न में या नहीं? पड़े हैं बच्चे का। अच्छा, सही है, तो व्यूवर्स आपको वो भी दिखाएंगे हम, ये विकास भाई ने वर्किंग की है अपने घर की। जी विकास भाई, यहाँ पर कौन से बर्ड नज़र आ रहे हैं हमें? ये ग्रीन जावा का जी पेयर। अच्छा, सही, ये लोकल है या इम्पोर्टेंट? ये लोकल ही है। सही, लोकल है, तो कैसी ब्रीड आ रही है इनकी? ये भी ठीक आ रही है माशाल्लाह, इनकी भी काफ़ी सारे चिक्स आए पड़े। ये चिक्स मौजूद हैं इस वक्त? पड़े हम चिक्स। सही, अच्छा चिक्स की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? चिक्स की डिमांड है 20 से 25 हज़ार रुपये पर पीस की। पर पीस की। सही, तो देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से ग्रीन जावा बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये इस वक्त, और इनके चिक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे भी। जी विकास भाई, यहाँ पर कौन कौन से बर्ड्स नज़र आ रहे हैं हमें? ये जो ब्रोंजो के 3 पीस पड़े हैं इसके अंदर। अच्छा, एक सिल्वर का है। सही, एक पाइड में। ये ब्रोंजो यूनिट मौजूद है, ये ट्रायो मौजूद है आपके पास? हाँ जी। सही, ये क्या कौन से बर्ड्स हैं, कहाँ से आते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये इंपोर्ट कराए हैं जी हमने जर्मनी से। अच्छा, जर्मनी से इंपोर्ट कराए हैं। हाँ जी। सही, अच्छा ये हमने बहुत कम लोगों के पास देखे हैं, ऐसे ही है बिल्कुल? ये इसी तरह पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है। सही,
तो इसके चिक्स वगैरह आए हुए हैं इसके? नहीं, इसके इंशाल्लाह अगले साल आएंगे चिक्स जी। सही जी वकास भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बर्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले मोरों के बारे में बताएं कि ये कितने उम्र की चिक्स हैं आपके? ये तकरीबन 4.5-5 माह की होंगी। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें सारे हैं, कैमियो, पाइड, ब्लैक, ब्लू। सही, सिल्वर। इनमें पॉलिश और वो सिल्की वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, फिर रही हमारे जी। वकास भाई, ये यहाँ पर चिक्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ये कौन कौन से चिक्स हैं और किस उम्र के हैं ये? ये भी वही वाइट, कैमियो, ब्लैक, ब्लू, सारे जी घर की ब्रीड है हमारे। अच्छा, ये कितनी उम्र होगी इन बच्चों? ये तकरीबन 3 माह की है। सही। अच्छा वकास भाई, इनके बारे में बताएं, ये कौन यहाँ किस उम्र के बच्चे हैं ये? ये तकरीबन है 2 माह के। अच्छा, हाँ जी, ये भी घर की ब्रीड है सारी। सही, सारी मिक्स ब्रीड है, कैमियो, वाइट, ग्रीन, जावा। अच्छा वकास भाई, इसके बारे में बताएं, ये आप जो है वो नेचुरल तरीके से इंक्यूबेशन करवा रहे हैं, कैसा रिजल्ट आ रहा है इनमें से? ये सारे बच्चे इन्हों के नीचे निकलवाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जितने भी आपके फार्म के बच्चे हैं वो इनके नीचे निकले हैं सारे? टोटली 500-600 बच्चा। सही, तो कितने एक पेड़ मौजूद हैं आपके पास इसके लिए? ये है तकरीबन 50-60 पेड़ होंगे। सही, तो इसी से इंक्यूबेशन कराते हैं हर साल आप? इंक्यूबेटर क्यों नहीं यूज़ कर रहे आप? इंक्यूबेटर का कोई नहीं, सही रिजल्ट नहीं आ रहा उसका। अच्छा, इसका तकरीबन 80-90% रिजल्ट है। सही, यहाँ बिजली वगैरह का भी कोई इशू? बिजली का इशू है, बिजली की वजह से भी ज़्यादा परेशानी है, बिजली 2-3 दिन आती नहीं हमारे पास। अच्छा, हाँ सही। तो व्यूअर्स, यहाँ देख सकते हैं एक और फीमेल बैठी हुई है अभी अंडों पे। अच्छा वकास भी, कितनी फीमेल्स अभी इस वक्त बैठी हुई हैं? इस वक्त है तकरीबन 15 से ऊपर ही हैं तकरीबन। सही है, तो कितने अंडे आपने इनके नीचे रखे हुए? अच्छा, एक फीमेल को कितने एग्स देते हैं आप? ये 15 एग्स देते हैं भाई। सही, जो अच्छी तरह से इनक्यूबेट कर लेते हैं। सही है जी वकास भाई, यहाँ पर मुर्गियों से भी इंक्यूबेशन करवा रहे हैं? मुर्गियों से भी करा रहे हैं जी। अच्छा, तो कैसा रिजल्ट आ रहा है मुर्गियों? मुर्गियों का भी बहुत अच्छा रिजल्ट। सही, तो कितनी मुर्गियाँ बिठाई हुई हैं इस वक्त आपने? ये मुर्गी हैं तकरीबन 25-30 होंगी। सही, तो देख सकते हैं व्यूअर, माशाल्लाह से काफ़ी सारी मुर्गियां जो हैं वो इस वक्त अंडों पे बैठी हुई हैं। उस साइड पे भी बैठी हैं और दूसरे ये एक साइड पर केज है उसमें भी मौजूद हैं। सही जी वकास भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपका इनक्यूबेटर, माशाल्लाह से कितने अंडों का इनक्यूबेटर है ये? 600 अंडों का है। सही, तो इससे भी ले रहे हैं रिजल्ट आप? हाँ, इससे भी कुछ ले रहे हैं। इसमें कौन कौन से रखे हुए हैं इस वक्त अंडे? इसमें कुछ मोर के हैं, कुछ मुर्गियों के, कुछ फीजेंट के। सही, तो कैसा रिजल्ट देती है मशीन? मशीन का रिजल्ट तो 50% ही है, 50-60। अच्छा सही, तो देख सकते हैं व्यूअर, माशाल्लाह से इनक्यूबेटर भी लगाया हुआ इन्होंने, क्योंकि फार्म बड़ा है इनके पास, जो है वो एग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है वो इनक्यूबेटर इन्होंने लगाया हुआ। लेकिन जो है इनको रिज़ल्ट जो अच्छा आ रहा है वो नेचुरल ब्रूडिंग के ज़रिए आ रहा है, जो इन्होंने पेरू की फीमेल्स लगाई हुई हैं वहाँ से। तो देख सकते हैं माशाल्लाह 37 पे जो है वो इस वक्त इसका टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी 60 पे है, 54 आई थिंक। हाँ, ऑटोमेटिक है ये बिल्कुल, और इनकी रूलिंग भी जो है वो इस वक्त ऑटोमेटिक ही हो रही है, यानी बस अंडे रख के जो है वो आप छोड़ दें, बाकी बच्चा निकल जाएगा खुद ब खुद। ऐसे ही है वकास भाई? ऐसे ही है। सही जी वकास भाई, यहाँ पर आपके जो हैं वो ईरानी तीतर हैं? ईरानी तीतर हैं जी। अच्छा, इसमें कौन किसकी और कौन कौन सी वैरायटी के तीतर लगाए हुए हैं आपने? ईरानी, दखनी, पाकिस्तानी, सारी किस्म की तकरीबन है। सही, तो ये सारे आपके ब्रीडर पेयर्स हैं? ब्रीडर पेयर, बच्चे से अच्छे निकाल देख सकते हैं व्यूअर्स, एक छोटा सा बच्चा भी इनके साथ घूम रहा है बड़े मज़े से। तो आगे आपको इनके और भी बर्ड्स दिखाते हैं। ये कौन से हैं? ये भी वही है ईरानी। अच्छा, ईरानी तीतर हैं ये भी? सही, ठीक है जी। ये कौन से हैं? ये दखनी जी, पाकिस्तानी। अच्छा, दखनी तीतर हैं ये। सही, तो ये भी ब्रीड वगैरह कर रहे हैं आपके पास? सही है। तो फिर ये इनके तीतरों के भी चिक्स निकले हुए हैं, आप भी हम आपको जो है वो थोड़ा सा आगे चल के दिखाते हैं। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क होता है वकास भाई, ईरानी और दखनी के अंदर? ईरानी थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। अच्छा, दखनी थोड़ा छोटा होता है। सही, इसका प्रिंट में भी थोड़ा सा, प्रिंट में भी थोड़ा सा सही फ़र्क होता है। हाँ जी, सही है जी। वकास भाई, ये कौन से हैं? ये भी ईरानी है जी। अच्छा, यहाँ एग्स वगैरह भी आ रहे हैं? एग्स भी आए पड़े हैं। सही,
तो इनके बच्चे की कहाँ से निकलवा रहे हैं या खुद निकालते हैं? खुद ही निकाल रहे हैं बच्चे। अच्छा, यहीं पर ही अंडे दे के वो खुद वो बैठ इनक्यूबेट करके? सही। ये कौन से? ये भी ईरानी है। अच्छा, कितने पैर मौजूद हैं ईरानी के आपके? ये तकरीबन है 6-7 पैर। अच्छा, 6-7 पैर हैं। हाँ जी, सही है जी। वकास भाई, यहाँ पर चिक्स नज़र आ रही हैं, कौन से हैं ये? वो ईरानी के हैं सारे। अच्छा, घर की ब्रीड है हमारे। सही। तो ये अभी इनकी क्या उम्र होगी? ये तकरीबन 2 से 2.5 माह के होंगे। सही है। अच्छा, ये तीतर किस उम्र में जाके ब्रीड के काबिल हो जाते हैं? ये तकरीबन साल बाद बड़े हो जाते हैं। हाँ, साल बाद। सही है जी। वकास भाई, यहाँ पर आपने कौन कौन सी मुर्गियाँ लगाई हुई हैं ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये पॉलिश के अंदर है। अच्छा। वाइट मुर्गा है। सही। सिल्वर मुर्गी है। दो दूसरी क्रॉस में क्रॉस ब्रीड ले रहे हैं इनकी। अच्छा, इसमें किस किस तरह के कलर आ रहे हैं आपके पास? इसमें वाइट भी आ रहे हैं, ब्लैक में भी। सही। सिल्वर में भी इसी तरह। सही। तो इनके बच्चे वगैरह अवेलेबल होंगे? बच्चे अवेलेबल होंगे। सही है जी। ये कौन से पॉलिश का पेयर है? ये गोल्डन का पेयर है जी। अच्छा, तो ये भी ब्रीडर पेयर है? ये ब्रीडर पेयर घर का है, इसके भी चिक्स पड़े हैं। सही। तो इनके चिक्स की, 1 महीने का चिक्स है, तो उसकी क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं इस वक्त? ये चल रहा है 1000-1200 रुपये 1500 रुपये तक। सही, ठीक जी। वकास भाई, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत ही छोटे छोटे से हैं ये मुर्गे मुर्गियाँ, तो इसके बारे में बताइए। ये इंग्लिश गेम है जी। अच्छा जी। सही। भी बहुत अच्छे पेयर हैं तकरीबन। सही। इनके भी चिक्स पड़े हैं हमारे पास। सही। तो ये कैसी ब्रीड आ रही है इनके पास? बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है। सही। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही छोटे छोटे साइज के हैं ये, और बिल्कुल समझ लें ये कोई 5-6 इंच का होगा, ये 7-1 इंच का उसका मुर्गा होगा, और 4 से 5 इंच की जो है वो इसकी मुर्गी होगी हाइट में। तो बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स हैं, इनके चिक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। और वकास भाई से अगर आपने लेने हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं जी। ये कौन से बर्ड हैं? ये सिल्की में, ब्लैक सिल्की में। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ इनके पर वगैरह बड़े कम है, क्या वजह है? ये अब क्रीज में आए पड़े हैं इस वजह से ना। अच्छा, क्रीज का सीज़न स्टार्ट हो गया। हाँ, अभी पर गिरने शुरू कर देते हैं, अब नए निकाल लें। सही। तो व्यूअर्स, अच्छा वकास भाई, ये जब क्रीज पे होते हैं तो अंडे वगैरह देते हैं ये लोग? अंडे बंद कर देते हैं 2-3 माह तकरीबन। अच्छा, खुद से ही बंद कर देते हैं? जब क्रीज शुरू होती है अंडे बंद कर देते हैं। सही, ठीक है। अच्छा वकास भाई, ये बड़े शैतान हैं छोटे छोटे चूजे, ये इनमें कौन कौन से हैं? ये सारे हैं पॉलिश के हैं, बैंटम शैंटम। सही। फीजेंट के भी हैं कुछ। अच्छा, इस तरह मिक्सिंग है सारे। अच्छा, मिक्स छोड़े हुए हैं ये। सही है। तो देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, और एक छोटे सा भी नज़र आ रहा होगा जो हमने आपको दिखाए थे अभी, ये एक फ्रंट पे एक छोटा सा इंग्लिश गेन। हाँ, इंग्लिश गेन का चिक्स है ये। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वकास भाई के एक दूसरे शेड पर मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने बर्ड्स लगाए हुए हैं। तो आइए जी, वकास भाई से बात करते हैं जी। वकास भाई, यहाँ पर आपने कौन कौन से परिंदे लगाए हैं? ये पैरट लगा हुआ सारा जी। अच्छा, सारा तकरीबन येलो वाइट। सही। सारा सही है। तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है इनका? ये बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, काफ़ी बच्चे आए इनके। सही है। तो आ जाएँ दोस्तों, आपको जो है इनके रिंगनेक्स और अलेक्जेंडर्स दिखाते हैं, और साथ में कलोनी में भी लगाए हुए हैं बर्ड्स बजरी, वो भी आपको दिखाएंगे जी। जी वकास भाई, यहाँ पर एक ब्लू रिंग नेक का मुझे पेयर नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताइए कैसा बर्ड है, ब्रीड कर रहा है? ये ब्रीडिंग पेयर है जी, ब्रीड ठीक ही है जी। बहुत अच्छा। तो इस साल कैसी आई है ब्रीड इसकी? बड़ी अच्छी ब्रीड आई, 2 दफ़ा की है जी। सही। तो व्यूअर्स, इसकी फीमेल जो है वो इस बॉक्स में है, वो नाराज़ हो गई है, वो बाहर नहीं आ रही, तो फिलहाल जो है वो आपको मेल दिखा रहे हैं इसलिए। ये वाइट का पेयर है जी। अच्छा, वाइट के कितने एक पेयर मौजूद हैं? वाइट के 5-4 पेयर हैं जी। सही। फीमेल। तो कैसी ब्रीड आई है वाइट्स की आप? वाइट की भी बड़ी अच्छी ब्रीड आई है। सही है जी। विकास भाई, यहाँ पर कौन से बर्ड्स हैं आपकी? ये येलो की फीमेल है। अच्छा, और सिल्वर में यहाँ पर माशाल्लाह से। तो इसमें कौन से कलर आते हैं बच्चे? इसमें येलो भी और सिल्वर भी, दोनों। अच्छा, दोनों आ रहे हैं। सही।
तो देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे बर्ड हैं और ब्रीडर इनके जो हैं वो तमाम के तमाम बर्ड ब्रीडर हैं जी। वकास भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने जो है वो वर्किंग करके ओलिव निकाल लिया, तो क्या सीन है ये, कैसे हुआ? ये वाइट की मादी है जी। अच्छा, तो रिंग नेक का नर है, ग्रीन का नर है। हाँ जी। तो ये हर साल आते हैं इस तरह? हर साल जी, दो क्लच दिए हैं। सही है। तो व्यूअर देख सकते हैं माशाल्लाह से ओलिव और बहुत अच्छे कलर में हैं ये। अच्छा, ये सेल वगैरह कर देंगे आप? हाँ, ये सेल कर देंगे। सही। तो ठीक है जी, अगर किसी को ओलिव वगैरह चाहिए हो तो वकास भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये यहाँ जो केजेस नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर जो है वो रिंग नेक लगे हुए हैं इनके और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बर्ड्स हैं, ब्रीडर्स पेयर हैं। अच्छा वकास भी, क्या केज साइज इनके लिए यूज़ किया है आपने? ये केज 3x4 के हैं जी। अच्छा, सही। तो 3x4, तो देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही, अभी मेरे ख्याल मटकियों वगैरह में गए हुए हैं बर्ड्स, कुछ पेयर जो हैं वो बाहर हैं। और ब्रीड वगैरह कर रहे हैं इस वक्त पे? नहीं, अब कुछ रुके हुए हैं जी। अच्छा, 10-15 दिन से। सही, यानी ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो गया इनका इस वक्त। सही जी। वकास भाई यहाँ पर पहाड़ी नज़र आ रहे हैं हमें, इनके बारे में बताइए। ये राह का पेयर है जी। अच्छा, बहुत अच्छा पेयर है। सही। इस साल ब्रीड किया है इसने? इसमें दो दफ़ा ब्रीड की है। सही। तो क्या एवरेज आई है इसकी इस साल? इसकी तकरीबन 3 से 4। सही। तो ठीक है, ये आपको जो है इनके और भी पेयर दिखाते हैं जी। वकास भाई इस इनके बारे में बताइए। ये राह की फीमेल है। अच्छा, ये बाहर मेल बैठा है। सही। अच्छा, अभी ब्रीड वगैरह आप ले रहे हैं इस वक्त? नहीं, अभी बंद है। अच्छा, ब्रीड बंद की भी आप ही? सही, ठीक है। अच्छा वकास भाई, पहाड़ी के कितने पेयर रखे हुए हैं आपने? ये 8 पेयर हैं पहाड़ी के जी। अच्छा, सही है। के बारे में बताइए, ब्रीड वगैरह कर रहे हैं? ये भी ब्रीड किए हुए हैं इन्होंने साल। अच्छा, तो अभी सारे बर्ड्स ऑफ हो गए हैं ब्रीड? ये सारे ऑफ हो पड़े हैं। सही है। तो रिंग, इसके ग्रीन रिंग नेक के कितने पेयर मौजूद हैं आपके? ये तकरीबन है 27-28 पेयर हैं जी। वकास भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ओपन रखे हुए हैं बजरी आपने, इसकी क्या वजह है और क्या सीन है ये? ये ब्रीडिंग ज़्यादा करते हैं ऊपर की वजह से। अच्छा, खुले छोड़ दिए थे केज के अंदर ही। सही, अपने शेड में खुले छोड़े हैं। सही है। तो देख सकते हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से सारे बर्ड्स खुश हैं और बहुत बड़ी फ्लाई इनको मिली हुई है इस वक्त। ये चेक करें माशाल्लाह से, ये सारे सारे जी। वकास भाई, लव बर्ड की कॉलोनी भी लगाई हुई है आपने, इसमें कौन कौन से हैं पड़े? इसमें सारे ही रखे हुए लव बर्ड फीस। ये सही, फिशर वगैरह इनके हो। सही, डव भी वगैरह रखी हुई है। पाँच साल। सही। तो ये आपने वैसे शौकिया रखे हुए हैं? सही, शौक पूरा कर रहे हैं आप। हाँ जी। सही जी। व्यूअर्स आपने जो हैं वो वकास भाई के तमाम बर्ड देखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर किसी भाई ने चिक्स वगैरह लेने हैं तो वकास भाई का जो है वो नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इनसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मुझे और सुलेमान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको किसी अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए फार्म के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।